राज्य मंत्री एवं कोविड प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया ने दिया प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी कौरव को आश्वासन। आशा, उषा और सहयोगिनी संघ के प्रांतीय आवाहन पर समस्त जिलों और ब्लॉकों में 1 जून से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल चल रही है। खंड इकाई मेहगांव जिला भिंड में चल रही हड़ताल के तीसरे दिन राज्य मंत्री और कोविड प्रभारी मंत्री पहुंचे और आशा व सहयोगियों से बात की। जब प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी कौरव के द्वारा बताया गया कि सरकारी कर्मचारी से कार्य कराने के लिए 8 घंटे समय की सीमा तय की गई है, लेकिन हम आशा व सहयोगिनी कार्यकर्ताओं के कार्य की समय सीमा तय नहीं है। हमारी 6 सूत्रीय मांगों में नियमितीकरण की प्रमुख मांग के साथ वर्तमान कोविड की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा संसाधन, स्पष्ट प्रशिक्षण और महिला सुरक्षा की गारंटी के बिना हम महिला कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में न भेजा जाए। हम महिलाएं फील्ड पर कार्य करती हैं, जिससे हमारे परिवार में संक्रमित होने के भय हैं। जाने कब हमें क्या हो जाए और सरकार ने हमारे मरने के बाद के लिए योजना बनाई है, लेकिन सम्मान के साथ जी सकें, परिवार का भरण पोषण कर सकें, इस ओर सरकार की सोच कभी नहीं जाती। समस्याओं का वर्गीकरण करते हुए राज्य मंत्री ने स्थानीय समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के लिए SDM और अस्पताल प्रबंधन को आदेश दिया तथा राज्य स्तर की समस्या के लिए मंत्री जी ने कहा कि मैं अपनी टीम लगाकर इस मांग पत्र के आधार पर सरकार से बात करूंगा। न सिर्फ भिंड जिले में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में 75,000 से अधिक आशा कार्यकर्ताएं धरने पर बैठी हैं और हमारे भिंड जिले में 1400 से भी अधिक आशा कार्यकर्ताएं धरने पर बैठी हैं। और धरने पर न सिर्फ भिंड जिले में बल्कि हमारे प्रत्येक ब्लॉक में भिंड जिले के और अन्य जिलों के भी ब्लॉक में इसी तरह से आशा कार्यकर्ताएं धरने पर बैठी हैं। हम सब लोगों की मांगे हैं कि सरकारी कर्मचारी से भी अधिक हम लोगों से काम लिया जाता है। जैसे कि सरकारी कर्मचारी का तो फिर भी एक टाइम फिक्स होता है, 8 से 10 घंटे वो काम करते हैं, मगर आशा कार्यकर्ता का, सहयोगी कार्यकर्ता का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। कोई भी विभाग आता है, कोई भी बात, किसी की भी जानकारी लेनी है तो चलिए आशा, तो क्यों ना हमें सरकारी कर्मचारी ही घोषित कर दिया जाए। जब हम सरकारी कर्मचारी से अधिक काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी के लिए इतना काम करते हैं, कम से कम हमें न्यूनतम मजदूरी तो दी जाए। एक मजदूर यदि आपके यहाँ पर काम करता है तो आप भी उसे अकुशल श्रमिक और सकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखकर के उसको मजदूरी देते हैं, लेकिन हम लोग तो 2005 से प्रत्येक विभाग का, प्रत्येक NGO का प्रशिक्षण प्राप्त करते आ रहे हैं। हम लोग कुशल सेवा स्वास्थ्य प्रदाता है, तो हमें कुशल श्रमिक की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जा रहा है। हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है, ये वर्तमान महामारी जो COVID-19 चल रहा है, इस दौरान हमने सर्वेक्षण का काम किया, हमने होम क्वारंटीन लोगों का फॉलोअप करने का काम किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया, यहाँ तक कि हमने लोगों की स्क्रीनिंग भी की। हॉस्पिटल में आने के बाद आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति पॉजिटिव है तो आप उसके लिए दवाइयां करते हैं, सुरक्षा संसाधन अपनाते हैं, मगर हम लोग फील्ड में जाते हैं हमें पता नहीं ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये व्यक्ति कैसा है, हम उसके टच में रहते हैं और हमें कोई भी सुरक्षा संसाधन प्राप्त नहीं होते। ना सिर्फ इतना बल्कि हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो हम लोगों पर हमले भी होते हैं। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि जब भी COVID-19 ही नहीं बल्कि आने वाली किसी भी महामारी और किसी भी आपदा के समय हमसे काम करवाया जाए तो हम लोगों को सुरक्षा संसाधन प्रदान किए जाए, स्पष्ट प्रशिक्षण हो, निश्चित गाइडलाइन हो और महिला सुरक्षा की निश्चित गारंटी हो। चुनाव के समय शिवराज सिंह के सामने भी आपने मांग रखी थी। कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण भूमिका है हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में, खासतौर से स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण अंचल तक ले जाने में। मैं उनके समस्याओं के प्रति गंभीर हूँ। दो तरह के वर्गीकरण हुए हैं उन्होंने जो हमें मांग पत्र दिया है। एक तो वो समस्या है जो स्थानीय स्तर पर हम कही जा सकते हैं। मैंने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को कहा है कि उनकी जो स्थानीय समस्या है उनका तत्काल निराकरण किया जाए, जैसे पेमेंट की या मास्क की, सैनिटाइजर की या और स्वास्थ्य संबंधित उपकरण की समस्या, उसे हम स्थानीय स्तर पर अभी तत्काल हल कर रहे हैं। बाकी इनके जो मानदेय बढ़ाने का है और जो नियमित करने का है, ये निर्णय प्रदेश सरकार को लेना है, तो मैं अपनी अनुशंसा के साथ इसको प्रदेश सरकार को भेज रहा हूँ। दूसरी, उन्होंने अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।